जेपी ज्ञान ओडिया रे आपण मानंकु स्वागत। आजिर विषय कर्णंक कवच कुंडल सह कोणार्क मंदिरर कोण संपर्क। बर्तमान आमे जानिबा कर्णंक विषय रे, तापर आलोचना करिबा कोणार्क मंदिर सह एहार कोण संपर्क अछि। महारथी कर्ण अर्जुनंक प्रतिद्वंदी योद्धा थिले। थरे भोजराजंक दरबारकु ऋषि दुर्वासा पदार्पण करथिले। सेही समय रे कुंती अत्यंत आदरर सह अतिथि सत्कार करथिले। एथिरे प्रसन्न होई ऋषि दुर्वासा गोटिए बर देइथिले। सेइटी हेला उक्त मंत्र द्वारा कौनसी देवतांकु आवाहन करी तांकठारु पुत्र प्राप्ति करिपारिबे। जेतेबेले कुंती 12 रु 13 वर्षर थिले सेतेबेले कुंती कौतूहल ओ उत्सुकता वशतः महर्षि दुर्वासांक द्वारा दियाजाइथिबा मंत्रकु जप करी सूर्यंकु आवाहन करथिले। संगे संगे सूर्यदेव सेठारे प्रकट होइथिले। कुंती तांकु बहुत अनुरोध कला परे मध्य से सेठारु जाइ नथिले। अन्य रास्ता न पाई कुंती कहिथिले जे जदि आपण पुत्र देउछंती तेबे मु तो ताकु रखि पारिबिनि, आपण सेपरि व्यवस्था करंतु जेपरि से कवच ओ कुंडलरे विभूषित होइ महावीर होइ जन्म हेब ओ निजर रक्षा निजे रक्षा करिपारिब। सूर्यदेव कहिले जे मु मा अदिति देइथिबा कुंडल सहित कवच देउछि, कुंडलरु निर्गत हेउथवा अमृत तार जीवन रक्षा करिपारिब ओ कवच ताकु सुरक्षा देइपारिब। तापरे पुत्र जन्म हेला। पुत्र जन्म हेला परे कुंती गोटिए टोकेइरे शिशुटिकु रखि नदीरे भसाइ देइथिले। से शिशुपुत्रटिकु अधिरथ ओ राधा पाइथिले एवं निजर पुत्र भावे पालन करथिले। से शिशुपुत्रटि गुरु द्रोणाचार्यंक ठारु अस्त्र शिक्षा करिवार सुजोग मध्य पाइथिले। गुरु द्रोण तांकु ब्रह्मास्त्र विद्या शिखेबाकु मना करिवारु से द्रोणंक आश्रम छाडि परशुरामंक पाखकु जाई शिक्षा ग्रहण करथिले। से अनेक दिव्यास्त्र प्रयोगर विद्या हासिल करिवा सांगकु विजय नामक दिव्य धनु मध्य हासिल करथिले। जेतेबेले परशुराम जानिले जे कर्ण मिथ्या परिचय दे शिक्षा ग्रहण करुछंती सेतेबेले से अभिशाप देइथिले जे जेतेबेले शिखिथिबा विद्यार दरकार पड़िब सेतेबेले तुमे एहाकु भूली जीव। कुरुसभा रंगमंचरे जेतेबेले योद्धा माने निजर शक्ति सामर्थ्य ओ कौशल प्रदर्शन करुथुले, कर्ण मध्य अर्जुनंक भळी अनुरूप कौशल प्रदर्शन करिथिले। जेहेतु से सुतपुत्र भावरे परिचित थिले, तांकु क्षत्रिय मानक सहित प्रतियोगिता करिवार सुजोग दिया जाय नथिला। एहा देखि दुर्योधन कर्णंकु अंगराजर राजा घोषणा करिथिले। से बहुत महादानी थिले, जहा इच्छा हेउथिला ताहा से दान करुथुले। थरे श्रीकृष्णंक इच्छारे इंद्र ब्राह्मण वेशरे जाई तांकठारु कवच कुंडल मागिथिले। एते बड़ दिव्य सुरक्षा जिनिषकु बिना संकोचरे कर्ण दान करिथिले। तापरे अनुरोध करिथिले जे हे महात्मा आपणंक परिचय दियंतु। इंद्र तांक सम्मुखरे आविर्भाव होई तांकु बासवी वस्त्र प्रदान करिथिले। इंद्र कवच कुंडल नेई चालीगले सत, किंतु एहाकु धरि स्वर्गकु फेरी पारु नथांती, कारण छलना द्वारा प्राप्त सामग्री नेई स्वर्गकु फेरिबा असंभव। तेणु इंद्रदेव केउठारे एहाकु रखिबे एवं किए एहार सुरक्षा देव एथिपाई से चिंतित होइपड़थिले। तापरे कोणार्कठारे थिबा सूर्य मंदिर जेउठारे सूर्य प्रथमे आविर्भाव होइथांती सेहिठारे रखिदे चालीगले। तापरे सूर्यदेव एहाकु सुरक्षा करि रखिले। एही कारणरु बहुत राजा महाराजा सांभ्रांत व्यक्तिमाने एहाकु पाइबाकु इच्छा ओ चेष्टा जारी रखिथिले। तेणु सेमाने एही कोणार्क मंदिरकु बारंबार भांगुथुले ओ खोळुथुले। एबे भी विश्वास कराए जे जिए एही कवच कुंडलकु हासिल करिब से दुनियार शक्तिशाली व्यक्ति होइपारिब। तेबे विश्वास कराए जे केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही एहाकु पाइपारिबे। एहा मध्य विश्वास कराए जे कल्कि अवतार ही एही कवच कुंडलकु पाइपारिबे। एणु कोणार्क एक रहस्यमय मंदिर,
ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକକଥା ଓ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପ୍ରବାଦଟି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।